हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ये जानेंगे कि ट्रॉली वाले डबल बेड के बारे में कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार किया जाता है अंदर का। तो ये जो ट्रॉली वाला जैसा सामने देख रहे हो, ये ट्रॉली वाला है, उसको खड़ा करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जैसे अपने को इस तरीके से यदि बनवाना रहता है, तो जैसा कि सामने देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दो ट्रॉली आगे की साइड में लगाई है। दोस्तों यदि अपने को साइड में यूज़ करना है, तो साइड में भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और यहाँ पे जैसा सामने देख रहे हो, हमने पूरा फ्रेम बनाया है पहले 3 इंच का, अंदर की साइड में यहाँ डबल प्लाई दे के 19 mm का, और पूरा प्लाई डबल दे के फिर नीचे की साइड में जो 19 mm के प्लाईवुड का यूज़ किया है, जो कि 14-14 इंच के पट्टे हैं इसे हाइट में। और ये 3 साइड लगाए हैं, यानी जो अपना ट्रॉली वाला एक सेंटर में और 2 लेफ्ट और राइट में, और जो पीछे की साइड में लगाया गया है इस तरीके से। जैसा सामने देख रहे हो, पीछे की साइड में 2 लगाया गया और नीचे की साइड में जो एरिया आ रहा था वो पूरा ब्लॉक हो गया, यानी वो एरिया यूज में नहीं आएगा। दोस्तों यदि अपने को इस तरीके का यदि स्ट्रक्चर बनवाना हो, तो आप इस प्रकार से बनवा सकते हो। यदि अपने को सागवान वुड लेना है, तो अंदर की साइड में आप सागवान ले सकते हो। और यदि जो ऊपर का स्ट्रक्चर बन जाने के बाद में अपने जो प्लाईवुड था ऊपर का, वो हमने थोड़ा थोड़ा बाहर रखा है, 6-6 इंची बाहर रखा है, और फिर सामने की साइड में हमने पूरा सैंडविच करके दिखाया गया इस प्रकार से, जैसा सामने देख रहे हो यहाँ पे। और जो ट्रॉली का जो प्रोविज़न रहता है, वो नीचे की साइड में फ्लोर पे रहता है, फ्लोर पे रनर द्वारा यूज किया जाता है। उसका भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि कैस्टर किस प्रकार से लगाए जाते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि अपने को डबल बेड का हाइट ज़्यादा रखना है, कि 18 रखना है, 20 रखना है, तो अपना ट्रॉली का जो हाइट रहता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और अपना स्टोरेज भी काफ़ी मिल जाता है। और जैसे अपना यहाँ पे नीचे रख देने के बाद में कुछ इस तरीके का लुक दिखाई देता है, जो सामने की साइड में इस तरीके से आप देख पाओगे। यदि अपने को साइड में ड्रॉर निकालना कुछ कारणवश नहीं है, तो आप साइड में भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनवा सकते हो। सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।